हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने ई क्लासेस, क्लास 6 एनसीईआरटी और चैप्टर 1 का जो हमारा टॉपिक है फूड यानी भोजन, और इसके आगे डिस्क्रिप्शन में वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, भोजन आता कहाँ से है। तो जैसा कि आपको पता है, आप अभी भी खाना खाए होंगे, आपके दोस्त यार पहचान मम्मी पापा सभी खाना खाते हैं, और भोजन से ही किसी इंसान की ही नहीं बल्कि सारे जीव जातियों की ग्रोथ होती है। और आपको पता ही है कि बिना फूड के कोई भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो आज हम फूड के बारे में बताएंगे कि फूड वैरायटी क्या है। फूड वैरायटी में ही चलिए देख लेते हैं। फूड वैरायटी यानी कि इस पूरे संसार में वर्ल्ड की बात अगर करें या इंडिया की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ लिविंग्स यानी जीव जातियाँ बहुत सारी हैं, और सारे जीव जातियों के जो फूड है वो सब डिफरेंट डिफरेंट जीव जातियों की डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम है, फूड वैरायटी है। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का इंडिया के अंदर ही हम देख लें तो हमारे इंडिया में जितने स्टेट हैं हर जगह उनका अपना अलग फूड वैरायटी होती है। कुछ बेसिक एग्जांपल ले तो रोटी है, चावल है, दाल है, इडली, डोसा, पनीर, या फिर कुछ मीट प्रोडक्ट है, एग है जिसकी करी बनाई जाती है। तो ये सारे फूड वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें कि फूड वैरायटी में ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड वैरायटी के पार्ट्स हो जाते हैं, बनाते हैं लोग, तो इसमें हम एक ही चीज़ से कुछ थोड़ा अलग चीज़ें मिला करके कुछ नया बनाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि जो किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल रोटी में ही हम जो जो चीज़ें मिला करके रोटी नया तैयार करते मतलब पकाते हैं तो वो क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी में हम आटा, फ्लोर और वाटर, पानी और आटा को मिला करके गूथेंगे और रोटी बना लेंगे। तो ये जो वाटर और आटा है यानी ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, और दोनों को मिला करके हम गैस में या चूल्हे में रोटी को पकाते हैं बना करके। तो ये दोनों जो आइटम हुए यानी दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हुए, इन दोनों को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक बार फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स कई होते हैं, जैसे कि अगर हमें इडली बनाना हुआ या कि जैसे खीर बनाना हुआ तो खीर में इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? सिंपल, जितनी चीज़ें आप खीर में लगा करके बनाओगे वही इंग्रेडिएंट्स होता है। यानी कि मिल्क है, अब खीर में चावल होगा, राइस, ये दो चीज़ें हुई, शुगर हुआ, वाटर भी लोग डालते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने मिला करके बनाए खीर को, तो जितने चीज़ें हुए, जितने भी प्रोडक्ट हुए, सब के सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो फिर हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। ये फूड मटेरियल तो ठीक है, समझ गए कि जितने भी आइटम हैं हम खाते पीते हैं, तो इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स हम यही कहेंगे प्लांट्स। बिल्कुल, प्लांट्स और एनिमल्स यही दो ऐसे हैं जो कि हमारे फूड सोर्सेस हैं। और प्लांट्स में तो जैसा कि आपको पता ही, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के भी हैं, और इन्हीं चीज़ों से हम मिला करके बहुत सारे पकवान तैयार करते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करें
तो एनिमल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मीट प्रोडक्ट हो गया, एग हुआ, मीट है, एग है, हाँ, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो हमें एनिमल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट, यही दोनों हमारे फूड के सोर्सेस होते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। जो प्लांट के पार्ट है, एनिमल को अभी एक साइड रखते हैं, तो प्लांट के पार्ट्स, सबसे पहले हमें जानना है कि प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम अगर हम नीचे से चलें तो रूट है, इसके जस्ट बाद स्टेम, ब्रांचेस हैं, लीफ है, फ्लावर, फ्रूट एंड सो ऑन। ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये जारे प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट के पार्ट्स, ये सभी पार्ट्स जो हैं ये आप खाते हैं, हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी जीव हर एक प्लांट्स के सारे पार्ट्स नहीं खाता। जितने एडिबल पार्ट हैं वही हम खाते हैं, बाकी पार्ट हमारे अदर वर्क में काम आती है, जैसे लकड़ी जलाना हुआ या और भी अदर कार्य। तो प्लांट के पार्ट्स में अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम उनके दो या दो से अधिक पार्ट खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हम सिर्फ एक ही पार्ट खाते हैं प्लांट के। और दो या दो से अगर अधिक की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम फ्लावर्स भी खाते हैं, और वही अगर फ्रूट बना तो फ्रूट भी खाते हैं। कुछ के अलग अगर बात करें तो स्टेम है, दूसरा है रूट है, बहुत सारे ऐसे कैरेट यानी गाजर मूली सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हैं जो हम खाते हैं। तो ये सब के सब प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो ये तो हुआ हमें प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी हम उनके एग है, मीट है, या एक मीट के अलावा मिल्क भी हम उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं एज फूड। इसके अलावा अगर हम हनी की बात करें, जो शहद होती है, मधुमक्खियाँ प्लांट्स के नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। नेक्टर इट मीन्स प्लांट्स के जो फ्रू फल है, क्या बोलते हैं, फूल है, तो फूल में कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है, जूसी लिक्विड सब्सटेंस जो कि मीठा होता है, वो प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे मधुमक्खियां कलेक्ट करती हैं, और उस प्रोडक्ट को हम नेक्टर बोलते हैं। अब मधुमक्खी कलेक्ट करके अपने हनी कॉम्ब में लाती हैं, और वहां पे इसको हनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम फूड के रूप में, फूड में या मेडिसिन्स में यूज करते हैं। तो ये होता है एनिमल के प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे अगर प्लांट्स में देखें तो कुछ ऐसे सीड हैं जिसे हम जिसके हम स्प्राउटेड सीड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम अलग से नहीं खाते, लेकिन अगर हम स्प्राउटेड सीड खाएं तो वो ज्यादा लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। अब स्प्राउटेड सीड क्या होता है, तो स्प्राउटेड सीड के बारे में ये जान लो, जैसे चना हुआ, ग्राम, या मूंग हुआ, या गेहूं हुआ, इन प्रोडक्ट को हम भिगो करके रात को रख दें कॉटन क्लॉथ में बांध के, और दूसरे दिन मॉर्निंग में देखें तो अंकुरित चना या मूंग जो भी हम सीड रखे हैं वो अंकुरा हुआ रहेगा, सारे प्रोडक्ट नहीं, कुछ तो अंकुरा हुआ, जो उसके जर्मिनेशन प्रोडक्ट होते हैं, जर्मिनेट हुआ प्रोडक्ट, एक दिन नहीं तो 2 दिन रख लो, 1.5 दिन रख लो, तो जर्मिनेट हुआ प्रोडक्ट, चाहे हम चने की एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो वो जर्मिनेट हुआ प्रोडक्ट ही हमारा स्प्राउटेड सीड होता है। और उसको खाने से किसी भी लिविंग्स में,
वैसे इंसान खाते हैं और वो हेल्दी होता है, बॉडी के लिए अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये अपने प्लांट के कुछ अन्य प्रोडक्ट हुए जो हम एडवांस रूप में खाते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि अब इंसान की तो बात हो गई, एनिमल्स जो और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, गाय भैंस यानी काउ बफेलोज डॉग कैट इंसेक्ट्स एनी अदर फॉरेस्ट एनिमल्स एज यू नो वाइल्ड एनिमल्स, ये सब के सब क्या खाते हैं? और ये सब के सब वही खाते हैं जो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट होता है। हाँ, इनके खाने की हैबिट जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, कुछ कच्चा खा सकते हैं, कुछ पका के खाते हैं या नहीं पकाते, तो खाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो फूड टेकिंग का जो सिस्टम होता है वो प्लांट और एनिमल्स ही होता है, भले ही ये एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट की बात करें। इंसेक्ट में अगर हम अपने घर का एग्जांपल लें तो जैसा कि आपको पता है मॉस्किटो मच्छर फीमेल एनोफेलिस जो घर में नॉर्मली होता है, तो ये हमारे हमारे ही ऊपर आकर के हमारे ब्लड सकिंग करता है, यानी इसका जो प्रोडक्ट ईटिंग प्रोडक्ट है वो ब्लड है और हमारे ब्लड में सारे वो प्रोडक्ट सारे वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए योग्य होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट ब्लड सकिंग करते हैं। इसी तरह कैट की बात कर लो, कैट को भी आप जानते हो, काऊ है बफेलोज हैं या फिर कोई शीप या एनी अदर एनिमल्स, सब के सब का भोजन डिफरेंट जरूर होता है लेकिन उनके खाने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन वो खाते एनिमल्स या प्लांट प्रोडक्ट ही हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि जो ये एनिमल्स होते हैं, खाने का प्रोडक्ट खाने का तरीका हम समझ गए, तो ये जानते हैं कि इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। टेकिंग आउट फूड हैबिट, मतलब इनका भोजन करने के तरीका के आधार पे अगर हम देखें तो इन्हें हम ब्रॉडली, वैसे तो बहुत सारे होते हैं और भी बहुत सारे डिवाइडेशन कर सकते हैं हम, लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो सिर्फ थ्री टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट हर्बिवोर्स यानी हिंदी में शाकाहारी, सेकंड कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, और थर्ड नंबर पे होता है ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। एक एक को समझते हैं। हर्बिवोर्स ऐसे एनिमल जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम हर्बिवोर्स एनिमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो एनिमल या एनिमल के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल जो एनिमल्स या प्लांट दोनों के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम हर्बिवोर्स कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि ह्यूमन इन तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा? और आप एक लिस्ट बनाओ, एक टेबल बनाओ जिसमें कई सारे एनिमल्स हों और उनके टाइप्स यानी ये तीनों कैटेगरी में किस कैटेगरी में आप रख सकते हो और उनके भोजन क्या हैं, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, अभी तक वैसे भी पढ़ते आ रहे हो, और ये आपका टेबल बना करके खुद सोचो देखो। एनसीईआरटी की बुक मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से रीडिंग करिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको घर पे ट्राई करिए अपने रफ वर्क में।
देखिए, व्हाट डू वी ईट, एक टेबल बना हुआ है 1.1 का। वन साइड है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, और दूसरे साइड है फूड आइटम ईटन इन अ डे। इसके अलावा नीचे डिफरेंट फूड आइटम भी दिया हुआ है। ये टेबल आप खुद ही सेल्फ अपने से भरिए। नेक्स्ट जो सेकंड टेबल है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हो फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने बताया कि जैसे रोटी या चपाती बनानी है तो उसमें आटा और वाटर लगता है, अगर दाल बनानी है तो पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस लगता है। इस तरह से कम आप 5 प्रोडक्ट खाने वाले यानी फूड प्रोडक्ट और लिखिए और उसके इंग्रेडिएंट्स बनाइए। इसके अलावा कुछ हम दिखाते हैं आपको सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी पैडी फील्ड है, व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, व्हीट को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये पैडी का एक फील्ड है यानी चावल किस तरह से तैयार किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज में आप फ्रूट्स देखते हैं, प्लांट के कुछ सोर्सेज हैं और एनिमल्स के भी सोर्सेज हैं जो एक या कुछ और, जैसा कि आप जानते भी हो। और नेक्स्ट एक और आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है कि इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। देखिए, जैसे इडली है तो इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर ये सब लगते हैं, तो इन सारी चीजों में राइस तो प्लांट है, बाकी के सोर्सेज क्या हैं वो आपको फिल करने हैं। इसी तरह चिकन करी है और खीर भी है, सबके जो फिल करने वाला है वहां आप पेंसिल से टेबल बना करके फिल करेंगे। इसके बाद प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट है, और इसमें आप फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटर नोड, बड, ये पूरा ऊपर शूट सिस्टम होता है, और जो नीचे का रूट है उस पूरे रूट को मिला के रूट सिस्टम होता है। तो ये मैं एक नॉर्मल प्लांट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ डायग्राम, और आप ये समझ सकते हैं कि और भी जितने भी अगर प्लांट्स हैं कोई ना कोई उनके पार्ट्स हम जरूर खाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सारे प्लांट के कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम कोई न कोई पार्ट खाते हैं। फिर कुछ स्प्राउटेड सीड, जैसा कि ये मूंग का स्प्राउटेड सीड है, आगे ये ग्राम का स्प्राउटेड सीड है, और एनिमल में हनी भी, जो बिहाइव होता है यानी मधुमक्खी किस तरह से अपना हनी तैयार करता है वो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। और लास्ट में आपको एक और होमवर्क दिया जा रहा है जो एनिमल एंड देयर फूड है, इसमें बफेलो जैसे कि ये ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स खाती है, इस तरह से सारे एनिमल्स के जो भी फूड प्रोडक्ट हैं खाने वाले वो आप अपना एक टेबल बनाएंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।